हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रिया और मेरे किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही छोले भटूरे, जो मेरा भी फेवरेट है। इसलिए मैंने व्हाइट चने ले लिए हैं, जिसे मैंने 10 घंटे तक सोख करके रखा था। अभी पहले मैं इसे बॉयल करूँगी। इसे मैंने कुकर में डाल दिया है। इसमें पानी उतना ही रखूँगी जितने में चने इसके नीचे आ जाए। इसमें मैं डाल रही हूँ 1 स्पून साल्ट। साल्ट से ये जल्दी पकता है और इसका फ्लेवर भी अंदर जाता है। इसे मैं 5 से 6 सीटी दिलाऊंगी। ये हो गया है, आइए चेक कर लेते हैं कि ये कैसा तैयार हुआ है। नहीं देखिए, पूरी अच्छे तरीके से पक चुका है। अब मसाले तैयार कर लेते हैं। इसलिए मैंने कढ़ाई ले लिया है, उसमें मैं ऑयल डालूँगी 4 स्पून। मैं इसमें थोड़ी सी तेज पत्ता, दालचीनी और लौंग डाल रही हूँ। इसे 1/2 मिनट तक कुक करेंगे। अब इसमें मैं डालूंगी ओनियन, जो 3 बिग साइज के थे उसे मैंने कट कर लिया था। अब इसे थोड़ी देर फ्राई करेंगे, जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए और इसका पानी ना निकल जाए। देखिए चेंज हो चुका है इसका कलर, ये भुन चुका है थोड़ा। अब इसमें मैं डालूंगी जिंजर गार्लिक का पेस्ट। जिंजर गार्लिक मैंने एक साथ ही ग्राइंड किया था, इसलिए मैं एक साथ डाल रही हूँ। 2 स्पून डालूंगी। टर्मेरिक पाउडर 2 स्पून। जीरा पाउडर 2 स्पून। धनिया पाउडर 1 स्पून। साल्ट 2 स्पून। रेड चिल्ली पाउडर 2 स्पून। इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और थोड़ी देर फ्राई करेंगे। इसमें मैं डालूंगी टमाटर प्यूरी। आप चाहे तो टमाटर कट करके भी डाल सकते हो, मैंने यहाँ पे प्यूरी रखा है उसका। इसे ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है। इसे ऐसे ही हम फ्राई करेंगे। इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ, जिससे मसाले अच्छे तरीके से पक जाए। इसे 2 मिनट के लिए कवर लगा के छोड़ दूंगी। देखिए मसाले का कलर कितना अच्छा आया है। अब इसमें मैं चने डाल दूंगी, जो मैंने बॉयल किया था। और इसे हम 5 मिनट ऐसे ही पकाएंगे। आप चाहो तो इसे कुकर में भी बना सकते हो। इसे हम कवर करके 5 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। 5 मिनट हो चुका है। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब करें। इसमें मैं डालूंगी गरम मसाला। और अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे।
इसमें मैं पानी डाल देती हूँ। इसे कवर करके मैं 10 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ। 10 मिनट हो चुका है। इसे 5 मिनट तक और हम ऐसे ही पकाएंगे। इसका कलर चेंज होने लगा है। ऐसे मैं डाल रही हूँ कस्तूरी मेथी। इसे मैं डालूंगी धनिया पत्ता। मैंने गैस ऑफ कर दिया है और इस तरीके से छोले रेडी हो चुके हैं। चलिए भटूरे बना लेते हैं। इसके लिए मैंने एक बाउल ले लिया, उसमें मैदा ले लिया है। 1 स्पून सूजी डालूंगी, 2 स्पून कर्ड। मैंने एक बाउल मैदा लिया था, इसमें साल डाल रही हूँ। अब इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और इसका डोप तैयार कर लेंगे। इसे मैंने 2 घंटे के लिए छोड़ा है। ऐसे 5-6 घंटे छोड़ो तो ज़्यादा अच्छा भटूरा बनता है। इसे फिर से मिक्स कर लेते हैं। अब इसे हम रोटी के आकार का बेल लेंगे। इसे बहुत पतला नहीं बेलना है, थोड़ा मोटा ही रखेंगे। इस तरीके से ये भटूरा भी रेडी हो चुका है और हमारे छोले भटूरे रेडी है सर्व करने के लिए।